ख्याति कहती है शिव। पर मैं आपके चरणारविंद का स्मरण करती हूँ तो मेरा ये मन है कि लक्ष्मी भी आपका स्तवन करे। भगवान कहते हैं मेरी जो अर्धांगनी होगी वो पार्वती हो और आप चाहती हो कि लक्ष्मी मेरे चरणों का स्तवन करे तो आप एक निवेदन है लक्ष्मी से केवल इतना कहूंगा कि लक्ष्मी तुम नारायण के चरणों का स्मरण करना पर प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू सेवा आप ही दें क्योंकि उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मेरा वासा होता है। आज भी हमारा हिंदू धर्म हमारा शास्त्र कहता है जिसके घर में लक्ष्मी की कमी आती है संपदा अगर कम होती चली जाती है पैसा घर में नहीं टिकता कर्जा बढ़ते चले जा रहा है तो चार बत्ती का दिया चौमुखी दिया आटे का बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम को लगाना चालू कर दो मात्र 5-7 सोमवार निकलेंगे अपने आप लक्ष्मी बढ़ना चालू हो जाएगी कर्जा चुकना अपने आप समाप्त हो जाएगा। जय शिव शंभू जय महाकाल। दोस्तों आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।